दिल्ली NCR में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी दिल्ली बाढ़ की विभीषिका से अभी उभर भी नहीं पाई कि एक बार फिर यमुना में उफान आने के संकेत ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते NCR में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। 21 जुलाई यानी शुक्रवार की शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को एक बार फिर से पार कर गया था। फिलहाल आज सुबह 9 बजे से यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। प्रशासन ने लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी है। तो वहीं केंद्रीय जल आयोग द्वारा यमुना के जलस्तर बढ़ने का अनुमान जताया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। बृहस्पतिवार तड़के दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे चला गया था। शुक्रवार को जलस्तर 204.95 मीटर पर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिन में पहले जारी किए गए पूर्व अनुमान के मुताबिक पुराने रेल पुल के नीचे जलस्तर शुक्रवार को रात 10 और 12 बजे के बीच 205.45 मीटर तक पहुंच जाने की आशंका है। जलस्तर बाद में और बढ़ सकता है। इस पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखने और बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। अधिकारियों को तटबंध के समीप रह रहे लोगों को चेतावनी जारी करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने की सलाह भी दी गई है। यमुना का जलस्तर अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13 जुलाई को 208.66 मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। 8 दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद मंगलवार को रात 8 बजे जल स्तर 205.33 मीटर के नीचे आ गया था। बुधवार सुबह 5 बजे ये घटकर 205.22 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में ये फिर बढ़ने लगा और खतरे के निशान को पार कर गया। यूपी के सहारनपुर से गाजियाबाद के रास्ते नोएडा जाने वाली हिंडन नदी भी उफान पर है। हिंडन नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये हैं कि कई निचले इलाकों में हिंडन नदी का पानी तेजी के साथ कॉलोनी में घुस रहा है। प्रशासन ने हिंडन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उचित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हिंडन बैराज पर खतरे का निशान 205.80 मीटर है। गाजियाबाद की हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से सिटी फॉरेस्ट कॉलोनी, कृष्णा गौशाला कॉलोनी, करेड़ कॉलोनी में पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। परेशान लोगों ने सरकार से राहत और बचाव कार्य के लिए सरकार, NDRF और सिंचाई विभाग की टीमें भेजने की गुजारिश की है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। दिल्ली में बाढ़ का असर बेहद विनाशकारी रहा है और 27,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।